नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्रदेश की न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की छोटी और बड़ी खबर पर। नहीं करता कोई, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, तंबाकू खाना, पॉल्यूशन पीना, इसके साथ साथ गांजा या और भी कई प्रकार के नशे आप लोगों को अभी उतना नहीं पता है, तो इन सभी नशे से आने वाली जनरेशन को दूर रखना या हमारे समाज के जो आगे वाले भविष्य में जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है या अन्य युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको कैसे हम नशे से बचाएं, जिससे कि आने वाले समय पर वो नशे के दुष्परिणाम से अपने आप को पकड़ सके। तो ये बताइए, नशे में इंसान क्या क्या करता है? कोई शायद बताएगा नशे में इंसान क्या क्या करता है। बताओ, कुछ भी ऐसा लगता है कि अगर किसी ने शराब पी तो किस तरह की हरकत करेगा, मारपीट करेगा और गाली देगा और किसी का मदद भी कर सकता है, पता है ना, किसी का मदद भी कर सकता है, चाकू मार सकता है, किसी के साथ गलत बिहेव कर सकता है। हो सकता है कई बार आपके नशे में ना पता हो कि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। जनरली सभी लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस में, जहाँ आप लोग का घर होगा वहाँ कभी किसी ने देखा कि कोई पुरुष ने शराब पी के अपनी वाइफ को मार रहा है? होता है, अपनी पत्नी को नहीं मारते, ज्यादा पी के लोग आते हैं अपनी बीवी को मारने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, होता है कभी देखा? नहीं देखा। देखा होगा कुछ लोगों के घर के आस पड़ोस में, कुछ लोग करते होंगे, किसी किसी के घर के सदस्य ऐसा करते हैं, किसी के पापा, किसी के बड़े पापा, किसी की नजर और भी सुधार करते हैं। तो मेनली ये है कि आप लोग को ये बताया जा रहा है कि नशा एक ऐसी चीज है जिससे आपको क्या रहेगा, दूर रहेगा, ठीक, क्योंकि नशे से क्या खराब होता है जैसे शराब। दिनांक 20/6/2024 से दिनांक 26/6/2024 तक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय 26 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ये परिपेक्ष में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन जबलपुर में, इसके साथ साथ अन्य मार्केट, मॉल, नुक्कड़ नाटक और ऐसे NGO जहाँ पे युवा वर्ग रहते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी हम कार्यक्रम करेंगे, सभी जगह पे उनको जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत नशे से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ एवं नशे से होने वाले हमारे समाज में जो दुष्परिणाम होते हैं नशे करने से, और इसके साथ साथ नशे से किस तरीके से एक व्यक्ति अपराध करता है, इन सब के मद्देनज़र सभी को समझाइश दी जा रही है। और रेलवे स्टेशन में भी घूमने वाले या यात्रीगण या वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज सिविल लाइन क्षेत्र में जागृति सेंटर है जहाँ पे NGO है जो, उसमें कराया गया था और यहाँ पे सभी बच्चों को बताया गया कि नशे से किस तरीके से दुष्परिणाम आते हैं और उनको समझाइश दी गई। किस तरह के नशे ज़्यादा कर रहे हैं और किस उम्र के ज़्यादा? अभी रेलवे स्टेशन में मेनली जो देखने को मिलता है लोग शराब पीते हैं, सॉल्यूशन पीते हैं, इस तरीके के जो नशे करते हैं उनको समझाइश दी जाती है और उनके लिए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किस उम्र के ज़्यादा? ये उम्र लगभग 15 साल से 25 साल 30 साल सभी वर्ग के हैं, लेकिन मूलतः जो छोटे बच्चे हैं वो लोगों की लोगों से जल्दी आकर्षित होके और उसमें इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं।